नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव के उद्देश्य से सीएम नायब सिंह सैनी ने दो महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार प्रदेश को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के लिए कृत संकल्पित है। सरकार द्वारा इसके लिए कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में दो महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिनमें वन मित्र और एक पेड़ माँ के नाम योजना शामिल है। वन मित्र गड्ढे खोदकर पेड़ लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण भी करेंगे। इस कार्य के लिए वन मित्रों को प्रति पेड़ पर 20 रुपए दिए जाएंगे और इसी तरह एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत लोगों द्वारा लगाए गए पेड़ों का संरक्षण करने के लिए इन पेड़ों को वन मित्रों को सौंपा जाएगा और इसके लिए सरकार वन मित्रों को प्रति पेड़ के हिसाब से 10 रुपए देगी। आज दो घोषणाएं करने की परियोजनाओं की शुरुआत करता हूँ। आज एक वन मित्र की मैं घोषणा कर रहा हूँ। जो हमारे लगभग जो वन मित्र होंगे वो अपने आप खड्डा खोदेंगे, पौधा लगाएंगे और सरकार उसको 20 रुपए के हिसाब से उसको देने का काम करेगी, उसका वो संरक्षण करेंगे। और दूसरी परियोजना आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को इसका शुभारंभ किया था, एक पेड़ माँ के नाम, आज मैं हरियाणा में भी इस योजना का शुभारंभ करता हूँ। और जो भी व्यक्ति ये पेड़ लगाएगा, जो भी व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के अंदर पेड़ लगाएगा, उसको हमारे वन मित्र के हैंडओवर होगा और हमारा वन मित्र उसका संरक्षण करेगा, उसको भी हम 10 रुपया प्रति पेड़ देने का काम वो हमारी सरकार करेगी। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव के उद्देश्य के साथ सीएम ने करनाल में ऑक्सीवन का उद्घाटन किया। 40 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे इस ऑक्सीवन का 5 जून 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिलान्यास किया था। इस ऑक्सीवन में 9 प्रकार के वन विकसित किए जा रहे हैं। इससे पहले ऑक्सीवन में 10,000 पेड़ लगाए गए थे और इस बार विभिन्न सामाजिक धार्मिक छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने एक साथ 20,000 और पौधे लगाए। इस कार्य के लिए सीएम नायब सैनी ने सभी को बधाई दी। मुझे ये खुशी है कि आज वर्ष 2023-24 में गुरुग्राम, नौ रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों में 22,425 हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित वन अधिसूचित किया गया। आज हम हर जिले में 500 से 100 एकड़ के क्षेत्रफल का ऑक्सीवन बनाने की योजना आज इसकी शुरुआत हमने की है। वर्ष 2022-23 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 ऑक्सीवन स्थापित किए गए हैं। यह समारोह इसी योजना के तहत करनाल में स्थापित ऑक्सीवन किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत वृक्षों के रखरखाव के लिए 2,750 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 3,819 वृक्षों के संरक्षकों के खातों में 2,750 रुपए प्रति वृक्ष के हिसाब से धनराशि डाली जा चुकी है। इसी तरह से प्रदेश में हर गांव पेड़ों की छांव, पौधगिरी और हर घर हरियाली जैसी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। जिला पंचकुला में ऑक्सीवन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। प्राणवायु देवता हमारी सरकार ने ये निर्णय भी किया है कि प्राणवायु देवता जो पेंशन स्कीम, उसके तहत जो हमारे 75 वर्ष से ज्यादा की आयु के हमारे पेड़ हैं,
उनकी पेंशन जो उनका संरक्षण करेगा, उनकी देखरेख करेगा, उनको 2750 रुपए की ये पहली बार हरियाणा के अंदर उन लोगों को पेंशन देने का ये निर्णय किया। और मुझे खुशी है कि प्रतिवर्ष पेड़ की पेंशन का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। वन विभाग द्वारा पहले से लगे हुए और हर वर्ष होने वाले पौधारोपण की जियो टैगिंग ड्रोन द्वारा नियमित मैपिंग की जाएगी और 5 वर्ष तक कोई उनकी ग्रोथ पर नजर रखी जाएगी ताकि हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। सरकार ने औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क भी विकसित किए हैं। मोरबी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधीय वन स्थापित किया गया है। इसके अलावा जिला सोनीपत के मूर्थल में 116 एकड़ और यमुनानगर के सरहौरा में 11.25 एकड़ जमीन पर नगर वनों का विकास किया गया है। इसी तरह से करनाल, पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में नगर वन विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को वन एवं पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए राज्य में लगभग 2500 ग्राम वन समितियां कार्यरत हैं। हर गांव पेड़ों की छांव, पौधागिरी तथा हर घर हरियाली जैसी योजनाएं भी हमारी सरकार ने आज चालू की हैं। इस साल 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य ये हमारी सरकार ने लिया है ताकि इस पर्यावरण की जो गंभीर समस्या हमारे सामने है उससे हम निपट सकें। सरकार की पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाएं मानव हित में है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा भी मिलेगी।